नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे और आप देख रहे हैं देश के नंबर वन चैनल का नंबर वन शो कच्चा चिट्ठा। कच्चा चिट्ठा में आज सबसे पहले बात उस रिपोर्ट की जिसने 31 देशों को हमले के लिए तैयार कर दिया है। रूस के अलग अलग हिस्सों में एक सायरन बजा, चारों तरफ अफरा तफरी मच गई, अनाउंसमेंट होने लगा रूस पर परमाणु हमले का खतरा है और फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे 24 घंटे तक कांपता रहा रूस। ये सात शहर तो सिर्फ बानगी है। अचानक एक सायरन बजा और पूरा रूस सहम गया, जो जहां था वहीं रुक गया। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। रूस में टेलीविजन और रेडियो पर आ रहे कार्यक्रम अचानक बंद हो गए। बस एक ही अनाउंसमेंट होने लगा, आपके शहर पर परमाणु हमले का खतरा है। Проводится проверка готовности системы оповещения населения. Просьба сохранять спокойствие. Внимание всем! चेतावनी प्रणाली की जांच की जा रही है, कृपया शांत रहें। स्कूलों में मौजूद बच्चे सावधान हो गए। चंद सेकंड में सभी बच्चों के चेहरे पर गैस मास्क चढ़ गए। आपातकालीन सेवाओं से जुड़े लोग खतरनाक सूट पहनकर सड़कों पर उतर आए। एक ग्रुप कुत्तों के एक झुंड के साथ एक स्ट्रेचर पर एक डेड बॉडी को लिए इमारत से भागा। भूमिगत बंकर को बंद कर दिया गया। फायर ब्रिगेड के लोग आग बुझाने के लिए दौड़े। एम्बुलेंस के साथ बचाव टीमें बिना देरी किए अपने काम पर लग गई। रूस की सड़क के किनारे खतरे के निशान भी गाड़ दिए गए। टीवी रेडियो के साथ साथ गली मोहल्लों में लगे लाउड स्पीकरों से वही आवाज गूंजने लगी। सुना आपने, रूस के कोने कोने में कैसे रोंगटे खड़े कर देने वाले संदेशों का सीधा प्रसारण किया गया है। परमाणु हमले का खौफ भरने वाले इस प्रसारण के साथ साथ परमाणु हमले से कैसे बचना है, इसका भी रूस में अभ्यास किया गया। रूस में इस अभ्यास को ये मानकर किया गया कि 70% रूस पर न्यूक्लियर खतरा है। रूस के 70% लोग रेडिएशन की जद में है। सिर्फ इतना ही नहीं, लाइफ 7 फैसिलिटी भी परमाणु हमले में तबाह हो चुकी है। रूस ने इस अभ्यास को ये मानकर किया कि अमेरिका नाटो देशों ने रूस पर परमाणु हमला कर दिया है। इस अभ्यास को रूस के सभी 11 टाइम जोन में एक साथ किया गया। दुनिया के कुल 24 में से रूस में 11 अलग अलग टाइम जोन है। 11 अलग अलग टाइम जोन के चलते रूस में एक ही समय पर आधे देश में दिन तो आधे देश में रात होती है, लेकिन राष्ट्रपति पुतिन के आदेश के बाद सभी 11 टाइम जोन में एक साथ परमाणु हमले से बचने का अभ्यास किया गया। यह रूस का ऐसा परमाणु युद्ध अभ्यास था जैसा अब तक कभी नहीं हुआ। रूस ने पहली बार पूरे देश में परमाणु युद्ध अभ्यास किया, ना सिर्फ परमाणु हमले से बचने का अभ्यास किया बल्कि परमाणु हमले का जवाब कैसे देना है इसका भी अभ्यास किया गया। काला सागर में रूस के युद्धपोत से ज़िरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल से प्रहार की प्रैक्टिस, न्यूक्लियर बॉम्बर में परमाणु हथियार लोड करके हमला करने का अभ्यास, बाल्टिक सागर में रूस की सबमरीन में परमाणु पोसाइडन के साथ युद्ध का अभ्यास, आर्कटिक सागर में मौजूद रूस की सबमरीन से बैलिस्टिक मिसाइलों की लॉन्चिंग, रूस की धरती से दुश्मन देश को तबाह करने वाली मिसाइल की टेस्टिंग। पश्चिमी मीडिया में छपी एक रिपोर्ट में रूस में भी सनसनी मची हुई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि नाटो ने एक ऐसा वॉर प्लान तैयार किया है जिसमें 48 घंटे में रूस का जर्रा जर्रा जल सकता है।
इसकी एक झलक उस वक्त मिली जब मॉस्को में टीवी पर कार्यक्रम के बदले परमाणु हमले का इमरजेंसी अलार्म बजने लगा। इस अनाउंसमेंट को सुनते ही मॉस्को में सनसनी फैल गई। जो कार में था वो अपने कार की स्पीड बढ़ाकर जल्द से जल्द किसी बम शेल्टर तक पहुंचने की कोशिश में लग गया। इस अनाउंसमेंट के दौरान ही रूस की सीक्रेट सर्विस एक्टिव हुई। जांच पड़ताल में पता लगा कि इस अलार्म का दूर दूर तक सच से कोई वास्ता नहीं है। पड़ताल में पता चला हैकरों ने मॉस्को और सेवरोडोनेस्क में टीवी और रेडियो को हैक कर लिया है। न सिर्फ हैक किया है बल्कि रूसी प्रसारण को हाईजैक कर लिया है। हाईजैक कर हैकर सिर्फ परमाणु हमले की चेतावनी प्रसारित कर रहे थे। पश्चिमी मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस और अमेरिका में सीधी जंग के आसार बढ़ गए हैं। रूस अमेरिका की सबमरीन आमने सामने आ सकती है। रूस के खिलाफ पूरा नाटो एक साथ हमला बोल सकता है। पश्चिमी मीडिया के दावे के मुताबिक नाटो 2 दिन यानी 48 घंटे के भीतर रूस को नक्शे से मिटा देगा। 48 घंटे के अंदर रूस की सेना का समूल नाश हो सकता है। 48 घंटे में नाटो रूस के सभी हथियारों को बर्बाद कर सकता है। और तो और, दावे के मुताबिक 48 घंटा में दुनिया में सबसे अधिक परमाणु हथियारों वाले रूस के सभी परमाणु बमों की भी बत्ती गुल हो सकती है। यूक्रेन युद्ध के दौरान पुतिन ने कई मौकों पर परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकी दी है। कई मौकों पर परमाणु ध्वस्त दिखाकर डराने की कोशिश की है। लेकिन पूर्व ब्रिटिश सेना अधिकारी निकोलस ड्रमंड ने चेतावनी दी है कि अगर पुतिन परमाणु हमले की तरफ आगे बढ़ते हैं तो इसका रूस के लिए विनाशकारी परिणाम होगा। निकोलस ड्रमंड ब्रिटिश सेना के अधिकारी रहे हैं। अभी वो युद्ध विशेषज्ञ के तौर पर पूरी दुनिया में मशहूर है। नाटो में उन्हें उम्दा रक्षा उद्योग विश्लेषक भी माना जाता है। उसी निकोलस ड्रमंड का कहना है कि अगर रूस यूक्रेन में परमाणु हमला कर देता है तो परमाणु हमले के 48 घंटे के अंदर नाटो रूस को दुनिया के नक्शे से मिटा देगा। नाटो की इस चेतावनी के पीछे की वजह पुतिन की धमकी को माना जा रहा है। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि रूस यूक्रेन के साथ साथ यूरोप को अपने परमाणु घेरे में ले रखा है। रूस में छोटे बड़े सभी तरह के परमाणु बम तैनात हैं। रूस के परमाणु बम बेलारूस में एक्टिव हो गए हैं। रूस के टैक्टिकल न्यूक्लियर बम क्राइमिया में लगे हुए हैं। रूस के परमाणु हथियार काला सागर में मौजूद हैं। रूस के परमाणु बम बाल्टिक सागर में भी होने का दावा है। रूस की तरह ही कालिनिनग्राद में भी छोटे बड़े सभी तरह के परमाणु हथियार लगे हुए हैं। अगर अपने इस न्यूक्लियर गेम को पुतिन ने अंजाम तक पहुंचाया तो पूरे यूरोप का गेम ओवर हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो दुनिया ऐसा धमाका देखी, ऐसी तबाही की गवाह बनेगी, ऐसा खौफनाक मंजर पूरी पृथ्वी पर छा जाएगा जिसकी बराबरी हिरोशिमा और नागासाकी में हुए परमाणु धमाके मिलकर भी नहीं कर पाएंगे। रूस से पोलैंड पर सिर्फ 3 मिनट में प्रहार हो सकता है। रूस से बेल्जियम 7 मिनट में हमला हो सकता है। रूस से जर्मनी पर 10 मिनट के अंदर परमाणु हमला हो सकता है। इटली तक सिर्फ 11 मिनट में रूस का परमाणु बम पहुंच जाएगा। ऐसे में अगर रूस और अमेरिका के बीच युद्ध छिड़ा तो उसके विश्व युद्ध में बदलने में देर नहीं लगेगी। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट के अनुमान के मुताबिक यूरोप में फिलहाल 5 देशों में अमेरिका के करीब 100 परमाणु बम मौजूद हैं।